नमस्कार, मैं कमल पवार और आप देख रहे हैं तेज निगाहें ऑनलाइन न्यूज चैनल। रजपुरा थाना क्षेत्र में दो दिन पहले हुए हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों की वजह से की गई हत्या। हत्या का आरोपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। संभल पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के निर्देशन में जनपद में कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत रजपुरा थाना क्षेत्र पुलिस ने राजबली गांव में हुए जीतपाल हत्याकांड का खुलासा किया है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि मृतक के अवैध संबंध आरोपी बबलू की पत्नी से थे। कई बार समझाने के बाद भी जीतपाल नहीं मान रहा था। उस दिन भी उसे समझाने के लिए बुलाकर खेतों में ले गया और उसकी वहां हत्या कर दी। जनपद संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में एक दिनांक 5 तारीख को एक हत्या हो गई थी। जीतपाल पुत्र वीरेंद्र की हत्या हो गई थी। इसकी बॉडी गन्ने के खेत में पाई गई थी। जब इसका मुकदमा लिख करके इसके बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि एक बबलू जो इसका साथी था उसने इसकी हत्या की है। पूछताछ में बबलू ने बताया कि जीतपाल जो था उसकी पत्नी से बात करता था और जिसको लेकर के आपस में तनातनी रहती थी। ये दोनों वैसे साथ रहते थे लेकिन जो जीतपाल है मृतक वो उसकी पत्नी से बातचीत करता रहता था जिससे तनातनी के कारण ये खुंदस में रहता था। इसने एक दिन तय किया कि ये समझाया इसको एक दो बार लेकिन नहीं माना ये, तो एक दिन तय किया कि अब इसको रास्ते से हटाना है और इसने घटना के दिन उसको अपने ही बाइक पर बैठा करके खेत में ले गया। खेत में ले जा करके उसके सीने में गोली मार दी और वहाँ से फिर भाग गया तमंचा लेकर के। अब उसकी निशानदेही पे आला कत्ल बरामद किया गया है और वहाँ से अब इसको गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने पत्नी के प्रेमी की हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार करके हत्याओं की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। तेज निगाहें के लिए जनपद संभल से कमल पवार के साथ गजराम सिंह यादव की रिपोर्ट। तेज निगाहें के सभी दर्शकों से अपील है कि जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अब दीजिए कमल पवार को इजाजत। नमस्कार।